हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जो पहली बार मेरे चैनल पे विजिट हो रहा है, शायद मेरे नाम आपको नहीं मालूम होगा। मेरे नाम है राकेश। शायद आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मैं टाटा मोटर्स के शोरूम पे आ चुका हूँ। आज जो यहाँ पे एक धमाकेदार वेरिएंट आपको गाड़ी में बताने वाला हूँ, जो रिसेंटली नया नया लॉन्च हुआ नेक्सॉन फेसलिफ्ट गाड़ी के बारे में। उसमें जो है मिड वेरिएंट मैनुअल गाड़ी, आज मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जो क्रिएटिव वेरिएंट है। और उसी के साथ कलर जो है रेड कलर की कलर है। इसमें आपको पूरा मैं गाड़ी कैसी है, क्या है, फीचर्स क्या है, ये क्या प्राइस तक आपको मिल सकती है, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। तो अब गाड़ी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लास्ट तक बिना आप स्किप करे देखे तो आपको फीचर्स पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप स्किप करते जा रहे हो तो आपको फीचर्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा गाइस। सो गाइस, एक बार ये गाड़ी देखिए आप। आपको रेड कलर में है, आपको फ्रंट व्यू वैसे कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको फॉग लाइट्स का ऑफर नहीं किया गया, एक बार देख लीजिए। DRS जो है आपको गाड़ी ऑन रहने के टाइम पे DRS ऐसे कुछ दिखाई देगा। उसी के नीचे आपको प्रोजेक्टेड LED हेडलाइट्स ऑफर किया गया है और उसके नीचे खाली स्पेस MT प्रोवाइड किया गया। और ये जो है एरोडायनामिक, यहाँ से आपको एयर जो है फ्लो हो जाएगा, उससे आपको गाड़ी तेजी भागने में कोशिश किया गया है। और उसी के साथ यहाँ पे देख लीजिएगा, क्रिएटिव वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर्स विद फ्रंट कैमरा का भी ऑफर किया गया है। और उसी के नीचे ग्रिल आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे नंबर प्लेट प्लेस करने की जगह है। और यहाँ पे देख लीजिए, एकदम प्यारा सा छोटा सा टाटा लोगो है। पहले बड़ा रहता था, थोड़ा अगली दिखता था, इसे आपको अच्छा खासा बेहतरीन लुक आ जा रहा है गाड़ी में। ये साइड व्यू ऐसे कुछ आपको दिखाई देगा। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 208 mm का है। और उसी के साथ ये 16 इंच का अलॉय व्हील्स रहेगा, 215, 65 और 16 का अलॉय व्हील्स मिलेगा। और एक बार देख लीजिए गाइस, ये जो आपको साइड ORVM से यहाँ पे टर्न इंडिकेटर LED में प्रोवाइड किया गया, उसी के नीचे कैमरा है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू का कैमरा आपका ऑप्शन मिल जाएगा। और उसी के साथ ऊपर भी देख लीजिए गाइस, यहाँ पे आपको रूफ रेल्स जो है देखने में एकदम स्पोर्टी लुक मिल जाता। और यहाँ पे शॉक एक्टिव एंटीना है और यहाँ पे आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और एक बार रियर लाइट देख लीजिए, पूरा इल्यूमिनेटेड कनेक्टिंग ब्रेक लाइट है आपका, कॉर्नर टू कॉर्नर आपको अच्छा लाइट्स भी मिल जाएगा। तो उसी के साथ नीचे रिफ्लेक्टर और रिवर्स पार्किंग लाइट के साथ है, जो पार्किंग सेंसर भी प्रोवाइड किया है। उसी के साथ यहाँ पे देख लीजिए, रिवर्स कैमरा है, नेक्सॉन का बैजिंग दिया गया है, अच्छा खासा दिख रहा है। और टाटा के लोगों के नीचे कैमरा का प्लेस किया गया और आपको व्हाइट कलर में रियर स्किड प्लेट ऐसे कुछ बम्पर का मिल जाएगा। और एक बार बात कर लेते हैं बूट खोल के, यहाँ पे एक बटन रहेगा, बटन दबाए तो आपको टेल गेट खुल जाएगा। वाला बटन दबाना पड़ेगा, आपका बूट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे पार्सल ट्रे भी प्लस किया गया है। और एक बार नीचे देख लीजिए, एक जो है आपका बूट स्पेस 382 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पे ऑफर किया गया है गाइस। और हम चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। एक बार साइड में देख लीजिए, यहाँ पे 50 लाख्स का जो लोग का 50 लाख्स कार्स का जो बैजिंग है वो यहाँ पे आपको प्लेस किया गया है। तो गाड़ी के अंदर जाने के लिए यहाँ पे पैसिव एंट्री का ऑप्शन भी मिल जाएगा। हाँ गाइस, एक और जो चीज़ था मैं बोलना चाहता था आपको, वो भूल गया मैं। यहाँ पे आपको डिफॉगर ग्लास नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए हेडन वाइपर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये देख लीजिए गाइस, ये आपको हेडन वाइपर है। बाहर से देखने वाले को वाइपर का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा अंदर घुस के आप देखें तो यहाँ पे वाइपर का ऑप्शन मिलेगा गाइस। ये जो क्रिएटिव प्लस में अच्छा वेरियंट हुआ है ना, आपको बजट वैल्यू फॉर मनी देख लिया है पूरा। अब देख लीजिए रियर लुक पूरा ऐसे कुछ आपको दिखाई देगा। उसी के साथ एक बार पूरा साइड व्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। साइड व्यू आपको ये पूरा ऐसे कुछ दिखाई देगा गाइस। एक बार देख लीजिए, ड्यूअल टोन में ऑप्शंस मिलेगा, चाहे तो आप सिंगल टोन भी आप परचेस कर सकते हो, ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा गाइस। ओके गाइस, इसका प्राइस के बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके बोलता हूँ। एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं मालूम है अभी, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेके, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं तो मेरा कमेंट बॉक्स में छोड़ देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्राइस जो है क्या है वेरिएंट वाइज आपको मैं पूरा अपडेट कर देता हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए गाइस। डोर खोलते ही डोर के ऊपर ऐसे कुछ आपको फिनिशिंग मिलेगा। ये लेदर आपको सॉफ्ट टच लेदर का टच रहता है यहाँ पे। और ये व्हाइट कलर में जो आपका ड्यूअल टोन का गाड़ी है तो ये आपको व्हाइट कलर में मिल जा रहा है गाइस। और यहाँ पे देख लीजिए एक बार, सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जा रहा है आपको। और इसमें स्टैंडर्ड 6 एयर बैग के साथ गाड़ी मिलती है आपको। सो गाइस, अभी हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। एक बार देख लीजिए गाड़ी ऐसे कुछ आपको फ्रंट व्यू दिखाई देगा, जो डैशबोर्ड है उसके साथ बड़ा सा 10 इंच का टच स्क्रीन। उसी के साथ नीचे देख लीजिए, यहाँ पे AC का कंट्रोल्स मिलेगा, वो आपको मैं गाड़ी चालू करके बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए प्रीमियमनेस का एक अच्छा लुक लाने के लिए कोशिश किया गया है, जो गियर नॉब में मैनुअल का ट्रांसमिशन है। उसी के साथ यहाँ पे आपको देख लीजिए एक बार, ड्राइविंग मोड्स मिल जाता है, सिटी, इको, स्पोर्ट मोड। और यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पे आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पे एक रियर AC वेंट्स मिल जाता है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाएगा, ये एक आपका हैंड ब्रेक है। लेकिन ये जो कुशनिंग है फैब्रिक मिलेगा, यहाँ पे लेदर का ऑप्शन नहीं है, क्रिएटिव प्लस वेरिएंट है। और एक बार देख लीजिए, एकदम बढ़िया अच्छा सा लुक आ जा रहा है पूरा गाड़ी में, एक बार देख लीजिए गाइस।
तो मैं अभी आपको गाड़ी चालू करके बताता हूँ आपको लुक कैसी है। यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन मिलेगा गाड़ी चालू करने के लिए, तो मैं अभी क्लच दबा के गाड़ी चालू कर लेता हूँ। सो गाइस देखिए, गाड़ी चालू करते ही हमको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ऐसे कुछ लुक आ रहा है, उसी के साथ इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिल जा रहा है, उसी के साथ साइड में यहाँ पे देखिए क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जा रहा है, वो भी इल्यूमिनेटेड का बटन से यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, ट्रिप्स वगैरह फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए, जो आपका क्रूज का स्पीड बढ़ाना कम करने का ऑप्शन, उसी के साथ यहाँ पे देख लीजिए आपको इंफोटेनमेंट रिलेटेड कंट्रोल्स जो रहेगा वो यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा इस एक बार, ये वाला जो है आपको ऑटो हेडलाइट का ऑप्शन भी मिल जा रहा है। देख लीजिएगा इस यहाँ पे आपको हेडलाइट्स स्विच ऑन का ऑन ऑफ का ऑप्शन, आपको जो लाइट फ्रिक्वेंसी है उसका अप एंड डाउन एडजस्टमेंट व्यू, और उसी के साथ यहाँ पे देख लीजिए ये वाइपर का कंट्रोल है, वाइपर भी ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन के साथ मिल जा रहा है आपको, ये अच्छा खासा बेहतरीन है क्रिएटिव प्लस वेरियंट में मिलने का। और एक बार अंदर देख लीजिएगा इस, यहाँ पे ये जो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको, यहाँ पे सेमी डिजिटल कह सकते हैं इसे, फुली डिजिटल नहीं है। अगर आप वेयरलेस वेरिएंट ले रहे तो वहाँ पे आपको फुल डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। और उसी के साथ एक बार देख लीजिएगा इस, यहाँ पे साइड में आपको 10 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा, इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, देखिए मैं जैसे भी टच कर रहा हूँ वैसे ही काम करने लग रहा है। और यहाँ पे आपको वायरलेस कनेक्टेड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का फीचर्स ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, इसमें आपको वायरलेस ही कनेक्ट होएगा। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे यूएसबी सॉकेट का और सी टाइप का केबल का ऑप्शन, उसके साथ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और देख लीजिए आपको डैशबोर्ड देखने में एक बार देख लीजिए, ये आपको यहाँ पे लेदर ना मिले तो भी यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग मिल जा रहा है, देखने में अच्छा खासा एकदम प्रीमियम लुक आ जा रहा है गाइस, पूरा एंड टू एंड तक रहता है, एक बार देख लीजिए गाइस, ये कुछ आपको डैशबोर्ड ऐसे है। और इसमें आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलता है जो बेसिक टू टॉप मॉडल, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, एक ऑप्शन यहाँ पे है कि पैसेंजर्स एयरबैग ऑफ ऑन का ऑप्शन, वो यहाँ पे देख लीजिएगा इस, ये जो है आपको ऑटो डिमिंग का आईआरवी में अगर ऑफ कर दे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन कर दे तो जो रियर रिफ्लेक्शन रहता है वो आपको पूरा ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। और यहाँ पे देख लीजिए पूरा प्रीमियमनेस के लिए कोशिश किया गया है टाटा ने, और ये पूरा टच में काम करेगा, इल्यूमिनेटेड बटन्स रहेगा यहाँ पे, सॉरी गाइस बटन्स नहीं, सिर्फ इल्यूमिनेशन होएगा, आपको देखने में ऐसे कुछ दिखाई देगा। एक बार देख लीजिए ये पूरा ऑफ का ऑन ऑफ का ऑप्शन है, डोर लॉक अनलॉक टेलगेट खोलने का ऑप्शन, 360 डिग्री व्यू, एक बार देख लीजिएगा ऐसे 360 डिग्री ऐसे कुछ आपको दिखाई देगा, ये 2D में है, अभी मैं 3D में कन्वर्ट करता हूँ, एक देखिएगा 3D में ऐसे कुछ आपको 360 डिग्री व्यू का लुक आ जा रहा है जो नेक्सन गाड़ी का, आप जैसे चाहिए वैसे आप एडजस्ट करके ऐसे आप देख सकते हो गाइस। 4 स्पीकर और 4 ट्विटर्स के साथ ऑफर किया गया है आपको सामने में, मैक्सिमम मैं अभी सीट पीछे कर सका हूँ तो मेरे हाइट के हिसाब से मैं गाड़ी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद रियर सीट में बैठ के बोलता हूँ कि कंफर्ट आउट वाइज कैसे है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाएगा, वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं है, और उसी की साइड में एक बार ये भी देख लीजिए यहाँ पे आपको को ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर का ऑप्शन में है, और दो भी फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर का सीट जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ मिलता है गाइस। तो रियर सीट में जाएंगे हम, रियर सीट में भी ऐसे कुछ आपको लुक आ जाएगा, एक बार देख लीजिए प्रीमियम यहाँ से देख लीजिए ये पूरा आपको एकदम बढ़िया लुक आ जा रहा है। और उसी के साथ नीचे भी देख लीजिए यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पावर विंडोज का है, तो मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। वाह गाइस एकदम बढ़िया लुक है, देख लीजिए आप लोग मेरे पीछे भी देख लीजिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं है, और ये जो मिल रहा है आपको 100% स्प्लिट मिलेगा, जब भी आप बूट स्पेस इंक्रीज करना चाहते हो ये 100% आपको स्प्लिट करनी है, आपको 60-40 का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो ये वही ना अच्छी बात। और यहाँ पे आपको एक क्रिएटिव प्लस वेरिएंट है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ सनरूफ वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपका रूफ जो है पूरा आपको ये वाइट कलर में मिलने वाली है, और उसी के साइड 3 साइड्स आपको ये होल्डर्स मिल जाएगा हैंड होल्डर्स। अभी हम गाड़ी पार्किंग सेलर में हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको हेडलाइट ऑन करके बता देता हूँ, ये हेडलाइट का व्यू है आपको, जो एलईडी का प्रोजेक्टेड हेडलाइट मिल रहा है, ये लो बीम ये हाई बीम का ऑप्शन है, देखिए गाइस इसका व्यू आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आ रहा है क्या है। ये मेरा इन्फॉर्मेशन था, मेरे दिए हुए इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए हुए तो मेरे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले बार जो मैं नया नया वीडियोस बना दे रहता हूँ आप तक पहुँच सकता हूँ गाइस। जो मेरे अभी यहाँ से ये वीडियो हमारा अभी खत्म होने वाला है, जय हिंद वंदे मातरम, ओके बाय बाय गाइस।